हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका भाई हर्ष और आप सभी देख रहे हो HC Nomadic। और ये है भाई अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट और आज हम इसमें कुछ करने जा रहे हैं यार, मॉडिफिकेशन एक और बार। और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाकर देखना। मैंने इसमें भाई ये इसके पार्किंग लाइट्स भी चेंज कर दी है और आज हम इसमें घेरने वाले हैं भाई। ये इसकी जो आता है ना, जो पहले के बंदे रखते थे पुरानी बुलेटों में फ्लैट शीशा, भाई वो आज हम इसमें लगाने वाले हैं। और ये सारा काम भाई हम घर पर ही करेंगे और आपको भी बताएंगे कि आप ये सब चीज़ें कैसे घर पर कर सकते हो। ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी अगर आप भी अपनी बुलेट में फ्लैट शीशा लगवाना चाहते हो या लगाना चाहते हो, दोनों में से कुछ भी चाहते हो, तो भाई ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई फ्लैट शीशा लगाने के लिए अपनी हेडलाइट में क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और क्या क्या सामान आपको चाहिए। तो चलो अब जल्दी से हम इसकी हेडलाइट खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ भाई ये हेडलाइट कैसे खुलेगी और ये सब चीज़ें कैसे निकलेगी और क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, वो सब भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो भाई फ्लैट शीशा लगाने के लिए ना, जो अभी मेरी बुलेट में लगा हुआ है ये डोम, ये तो मैं ख़राब नहीं करूँगा। अगर हमें फ्लैट शीशा इसमें लगाना होगा तो भाई ये जो इसका शीशा है ना अभी गोल वाला, ये हमें तोड़ना पड़ेगा और ये मैं नहीं चाहता ये टूटे। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था एक एक्स्ट्रा में, तो हम इसी में फ्लैट शीशा लगाएंगे। और इसकी आप अभी कंडीशन देख सकते हो यार, कितनी ज़्यादा ना बेकार हो रखी है। तो इसका भी कुछ चलो इलाज करते हैं और ये और ज़्यादा एकदम ब्लैक लगे ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। और मैं आपको ज़रा शीशा भी दिखा देता हूँ जो मैं लेकर आया हूँ अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट के लिए, और इसका प्राइस आपको वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा। देखो भाई एकदम जेड ब्लैक शीशा लेकर आया हूँ मैं अपनी बुलेट के लिए, और अभी ये और ज़्यादा जेड ब्लैक हो जाएगा जब इस पर वो चीज़ मैं कर दूंगा। क्या चीज़ कर दूंगा भाई, मैं मार दूंगा इस पर स्प्रे पेंट, ठीक है ना। स्प्रे पेंट लग जाएगा ना एक बार इस पर, तो फिर सब सेट हो जाएगा और ये जितने भी निशान है ना ये भी फिर दिखने बंद हो जाएंगे। तो चलो अब जल्दी से भाई स्प्रे पेंट मार देता हूँ मैं। ये वाला स्प्रे पेंट मैं लेकर आया हूँ ग्लॉसी ब्लैक का, मेरे को मैट में नहीं मिला, मैं मैट में लेने गया था तो मैं ये ग्लॉसी वाला लेकर आ गया। और चलो अब इसे जल्दी से अप्लाई करते हैं इस डोम पे और अपनी बुलेट में फिर इसे लगाते हैं, फिक्स करते हैं और आपको दिखाता हूँ ये शीशा इसमें कैसे फिक्स होगा। तो भाई अब मैं ब्लैक स्प्रे मारना चालू कर रहा हूँ और अभी से जल्दी से मैं पेंट कर देता हूँ। ग्लॉसी में है यार ये, मैट में मेरे को नहीं मिला। लो भाई अच्छे से एक हैवी कोट मार देता हूँ इस पे ना मैं। ठीक है भाई, एक हैवी कोट मैंने इस पे अप्लाई कर दिया है। अब इसे सूखने देते हैं और जब ये सूख जाता है उसके बाद मैं सारे इसमें स्टेप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। और अब भाई मैंने इस डोम को यहाँ पर सूखने के लिए रख दिया है पंखे के आगे, ताकि ये जल्द दिखे ना, सूख जाए और अपनी बुलेट में फिर चलो काम स्टार्ट करते हैं। और अभी 10-15 मिनट भाई इसको सूखने में लगेगा क्योंकि मैंने एक मोटा कोट इस पर अप्लाई करा है ताकि और ज़्यादा ना एकदम जेड ब्लैक हो जाए, समझ रहे हो ना। और भाई काफ़ी ज़्यादा ना प्यारी लुक निकल कर आने वाली है। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी ना तो भाई देखो, मैंने ना इसमें ये भी फिट कर दी है, इसके पार्किंग लाइट्स भी ना मैंने इसमें दूसरी लगा रखी है। ये देख रहे हो आप, ये रेड कलर की पार्किंग लाइट्स और फिर एकदम ये जेड ब्लैक शीशा, भाई काफ़ी ज़्यादा ना मस्त लुक निकल कर आने वाली है अपनी बुलेट की, ठीक है। ये वीडियो भी देख लेना भाई, ये भी मैंने घर पर ही करा था सारा काम। तो चलो अब इसे सूखने देते हैं अच्छे से और जब ये सूख जाता है फिर उसके बाद और आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों अभी बुलेट के यार डोम को ना सूखने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, तो हमने सोचा भाई बाकी का काम तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बुलेट के साथ। इसकी हेडलाइट वेडलाइट खोलते हैं और इसकी सारी अटैचमेंट निकालते हैं और आपको बताते हैं, वरना अगर इसके भरोसे बैठे रहे तो भाई काम काफ़ी ज़्यादा ना लेट हो जाएगा। सो दोस्तों अब अपनी बुलेट की भाई हेडलाइट खोलना स्टार्ट कर रहे हैं। और भाई ये वाला पेच जो है ना, अगर मेरी बुलेट का एक भी ढीला घूम गया तो ये ना फिर निकलेगा नहीं, क्योंकि ना एक बार मैंने जिस मैकेनिक से हेडलाइट खुलवाई थी ना उसने 2-3 बार ये फ्री घुमा दिया था पेच। तो भाई ये निकल गई अपनी बुलेट की बस हेडलाइट बस कुछ ही देर में। और दोस्तों ऐसा छोटा मोटा काम यार मैं बार बार बोलता हूँ घर में ही कर लिया करो, सही रहता है, ठीक है ना। ये छोटे मोटे काम भाई घर में जब तक नहीं करना सीखोगे ना तो अपनी मोटरसाइकिल के बारे में जानोगे कैसे। ये निकल गई भाई अपनी बुलेट की हेडलाइट और भाई ये निकाल देते हैं इसका जो LED बल्ब मैंने लगा रखा है नाइट आई का, ये भी अब बाहर निकाल लेते हैं। ये भी काफ़ी समय बाद भाई मैं निकाल रहा हूँ। और जो मैं अभी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ भाई ये सिर्फ लुक्स के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी जो मोटरसाइकिल की भाई
थ्रो है ना लाइट का, वो भी भाई अब बिल्कुल ज्यादा नहीं आएगा। ये निकल गई अपनी बुलेट की हेडलाइट और अब इसका और बाकी का काम शुरू करते हैं। तो भाई अगर हमें ये पुराना वाला डोम निकालना है इस वाले पैनल से, ये वाला जो पैनल है ठीक है ये वाला, तो भाई हमें ये क्लिपे खोलनी पड़ेगी। ये आप क्लिपे देख रहे हो, ये इसको लॉक करने के लिए यहाँ पर लगाती है कंपनी। ये हम खोलेंगे उसके बाद ये पुराना वाला डोम हटेगा और दूसरा वाला डोम इसमें लग जाएगा और काफी ज्यादा प्यारी लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैं हर चीज आपको स्टेप टू स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना करो और ये सारा काम आप घर पे कर सको और अपना भाई लेबर चार्ज बचाओ, अपनी गाड़ी के बारे में जानो। वन बाय वन इसकी सारी क्लिपे खोल लेते हैं। तो भाई ये निकल गई एक क्लिप, ठीक है एक क्लिप को हम यहाँ रख देते हैं। तो भाई ये दो क्लिपे निकलते के साथ अपना ये डोम जो है वो भी ढीला हो चुका है और अब ये वाली निकल गई क्लिप, ये तीसरी क्लिप निकल गई और ये आ गया अपना डोम बाहर और ये भी भाई चौथी क्लिप इसकी, ठीक है और ये डोम बाहर आ चुका है। अब इसे आराम से भाई रख देते हैं उठा के ताकि ये खराब ना हो जाए और ये तो एकदम भाई नया डोम है, ठीक है ना। तो चलो अब इसे साइड में रख देते हैं। और भाई ये डोम है मेरा मिंडा का, ठीक है और वो वाला जो डोम मैंने पेंट करा है वो भी मिंडा का है, पर उसकी हालत काफी ज्यादा बेकार हो गई थी क्योंकि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तो उस वजह से उसका शीशा वीशा फूट गया था, पर मैंने वो संभाल के रख रखा था ताकि मैं उसमें फ्लैट शीशा फिट कर पाऊं। तो चलो अभी जल्दी से इसमें वो वाला डोम फिट करते हैं। तो भाई ये आ गया वो डोम जो अब अपनी बुलेट में लगने वाला है और जो इस पर पेंट हमने अप्लाई करा था भाई वो अब हो चुका है ड्राई। और मैं आपको बताता हूँ कि आप ये जो ग्लास है ये इस डोम पे कैसे फिक्स करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई हमें ना अभी मैं ये ग्लास जो है ना भाई वो क्लीन नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। अगर मैंने ये क्लीन कर दिया तो ये अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो वैसे उस पर निशान से आ जाएंगे, वो निशान ना आए इस वजह से अभी मैं इसे क्लीन व्लीन नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमें लेनी है भाई ये टेप। ये टेप कौन सी है भाई, जो इलेक्ट्रिशियन यूज करता है ना ब्लैक वाली टेप, मैं वही टेप यहाँ पर यूज कर रहा हूँ और हमें इसे खोल लेना है भाई टेप को सबसे पहले तो, ठीक है। और ये आ गया अपना वो ग्लास और इस पे ना भाई कॉर्नर पे हम टेप थोड़े मोटे लेवल की अप्लाई कर देंगे, मतलब ज्यादा मोटा भी नहीं रखना और ज्यादा पतला भी नहीं रखना, जिससे क्या होगा ये ना एकदम साइड से पकड़ अच्छी बना पाएगा अपने डोम में, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हमें ये टेप यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। मैंने एक लेवल की इस पे ये टेप लगा दी है, ठीक है आप देख सकते हो ये टेप मैंने लगा दिया। अब अच्छे से मैं इसे कॉर्निंग से भी यहाँ से दबा रहा हूँ। तो चलो भाई अभी इसे जल्दी से साफ वाफ कर लेते हैं फिर अपने डोम में इसे फिट करते हैं, मतलब अपने नहीं अपनी बुलेट के डोम में, ठीक है। थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए ना यार वीडियो में। सो दोस्तों अब मैंने ये शीशा अच्छे तरीके से साफ कर लिया है ताकि ना भाई जब मैं इस पर लगाऊं और जब लाइट जले तो फिंगरप्रिंट के थोड़े से भी निशान ना आए। तो चलो अभी इसे लगाते हैं। लगाने में भाई कुछ नहीं है, बस इसे यूं करके बिठाना है, बस ये शीशा ऐसे करके बैठ गया और देखो भाई एकदम हो गया ना जेड ब्लैक। और जो अभी फिंगरप्रिंट के निशान आ रहे हैं भाई वो तो हम साफ कर ही लेंगे। अब आपको मैं जो बता रहा था पहले अब वो ही भाई हमें इसमें दोबारा से करना है अच्छे तरीके से भाई। इस पर अब टेपिंग हमें करनी है जिससे हम इसे वाटरप्रूफ बना सकें, ठीक है समझ लो ना। अब भाई ये टेप से वाटरप्रूफ बनेगा पूरा एकदम, ऐसे अच्छे से टेप पस पस के एकदम अप्लाई कर दो इसमें बढ़िया तरीके से। लो भाई और भाई थोड़ा ना प्यार से करना, कभी ये टेप अप्लाई करने के चक्कर में तुम शीशे ही चटका दो, ठीक है। दोस्तों इतनी टेप बहुत है, कभी ये हमारा ये डोम है ना अपनी हेडलाइट में ही ना लगे मोटा होने की वजह से। मैंने भाई ये शीशा भी एकदम बढ़िया तरीके से चिपका दिया और अब आप देख सकते हो भाई ये कहीं भी नहीं जाने का और ये वाटरप्रूफ भी अधिकतर हो चुका है। और बाकी जब ये हेडलाइट पे लगेगा डोम तो और ज्यादा वाटरप्रूफ हो जाएगा। अब हमें बस ना इसकी वो जो पत्तियां थी जो हमने निकाल ली थी, वो जो लॉकिंग सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया था, वो वापसी से लगानी है। और ये जो आप फिंगरप्रिंट के निशान देख रहे हो ना ये तो अभी चले जाएंगे, तो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ ये एकदम साफ है। तो चलो अब मैं वो चीज लेकर आता हूँ भाई। तो भाई ये रहा वो डोम का जो अपना होता है ना भाई क्रोम का कवर। और अब इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत देई बात है वो है भाई लाइट के थ्रो की, कभी ये आड़ा तिरछा लग जाए और लाइट का थ्रो ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। बाकी इतना जेड ब्लैक होने के बाद भाई मेरे को तो नहीं लगता इसमें लाइट का थ्रो कुछ भी बनने वाला है। तो भाई लुक कैसे लग रही है जो कैमरा के पीछे खड़े हैं भाई लोग अपने, कैसे लग रही है भाई? बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है भाई, ठीक है। तो भाइयों ने तो कह दी बढ़िया लग रही है, अब चलो इसे जल्दी से फिट करते हैं भाई। ऊपर का आ गए भाई डोम और इसे अच्छे से भाई एकदम सीध में रखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना ये, हाँ ठीक है। और अब भाई ये जो लॉकिंग लॉकिंग की इसकी क्लिपें थी इसे लॉक करने के लिए ये यहाँ पे हमें लगा दे। सो दोस्तों अब चारों क्लिपें भाई लग चुकी है अपनी बुलेट में। तो चलो भाई अब इस डोम को लगाते हैं अपनी बुलेट की हेडलाइट में और अब आपको जरा फाइनल लुक मैं दिखा देता हूँ
ठीक है, फाइनल लुक दिखाने से पहले ये भी बता देता हूँ भाई ये सब चीजें अब इसमें लगानी कैसे, हमने निकाल तो दी, अब लगाने का भी जरा एक बार प्रोसेस देखते जाओ भाई। ये डोम फिट करने से पहले ना हमें इसकी ये जो छोटी वाली लाइट होती है ये लगानी होगी, ये लग गई भाई। और भाई ये आ गई अपनी हेडलाइट, तो चलो। और ये भाई कुछ इसका लॉकिंग सिस्टम होता है, इसको भी लगा देते हैं हम। अब बुलेट की हेडलाइट भी लग चुकी है और इसकी ये छोटी वाली लाइट भी लग चुकी है और ऐसी लुक निकल कर आने वाली है भाई अब अपनी बुलेट की। तो जरा मैं इसे कस लेता हूँ अच्छे तरीके से। तो भाई ये कसना स्टार्ट कर दिया हमने, तो भाई अब अपनी बुलेट में लग चुका है फ्लैट शीशा, तड़ा। तो दोस्तों अब अपनी बुलेट में लग चुका है फ्लैट शीशा और अब मैं जरा आपको इसके पहले का लुक दिखाता हूँ और अब का लुक अच्छे से दिखाता हूँ और अब खुद भी थोड़ा कैमरे के आगे आता हूँ। आपने देखा भाई इससे पहले क्या एकदम सीधी सादी सी बुलेट लग रही थी और एकदम भाई तो एकदम बढ़िया गाड़ी लग रही है, जैसे किसी खतरनाक बंदे की है बुलेट, ठीक है ना। देख रहे हो भाई एकदम जेट ब्लैक शीशा हो गया है और अब मैं जरा ना आपको इसका लुक दिखा देता हूँ, ठीक है। ये भाई हमने करी स्टार्ट ये हमारी पिक और अब देखो भाई लुक आ रहा है एकदम जेट ब्लैक शीशा आ रही है प्यारी लुक। एक बार जरा मैं आपको हेडलाइट भी इसकी खोल के दिखाता हूँ भाई हेडलाइट में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। हेडलाइट की तो वैसे परफॉर्मेंस काफी ज्यादा, अब भूल ही जाओ कि भाई आपको ये कुछ रोड पे कुछ विजिबल करा पाएगी, ठीक है। ये सिर्फ लुक लुक की बात है, रोड पे तो कुछ भी नहीं रहा विजिबल होना। तो आपने देखा दोस्तों मैंने किस तरीके से फ्लैट शीशा अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट में भाई फिट करा है। ये सब छोटे मोटे काम भाई आप भी घर पे कर सकते हो, बाकी मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई मैं बहुत तगड़ा कोई मैकेनिक हूँ कोई कुछ हूँ, मैं भी आपकी जैसे भाई चीजें सीख रहा हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट के साथ। और कई बार होता है यार कि मेरे एक्सपेरिमेंट में भाई कई बार फेल हो जाते हैं, जैसे कि आपने अगर वो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी जो जेट इंडिकेटर भाई मैंने अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट में लगवाए थे वो भाई सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि भाई वो जो मैकेनिक मिला था भाई मेरे को उसे वायरिंग का काम नहीं आता था, उसने मेरे को ये बात बताई नहीं और मेरी बुलेट में भाई उंगल पेच करने लगा, मेरे चारों इंडिकेटर के जो कपलर के वायर होते थे वो भी काट दिए उसने, मेरे को काफी गुस्सा आया। पर मैंने उसे नहीं कहा यार कुछ, क्योंकि वो भी भाई काम करने की तो कुछ ना कुछ कोशिश कर ही रहा था ना, ठीक है। ये बात तो मेरे को बाद में पता लगी कि भाई वो वायरिंग का मैकेनिक नहीं था। तो चलो ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, हटाओ ये सब बातें और आते हैं भाई मेन मुद्दे पे कि अब अपनी बुलेट में भाई ये फ्लैट शीशा हो चुका है फिट। आप भी ये सब काम घर में भाई कर लिया करो, जब तक आप ये सब काम अपनी मोटरसाइकिल में नहीं करोगे, बुलेट या कोई सी भी मोटरसाइकिल, अगर आप भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन में आपका हाथ नहीं होगा, कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो आपने नहीं लगाई, सब कुछ आपने बाहर से लगवा रखा है, तो आप अपनी मोटरसाइकिल के बारे में भाई कैसे जानोगे। सो दोस्तों यही थी कुछ अपनी आज की वीडियो, अब भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं गया बहुत ज्यादा थक और गर्मी ने तो भाई हाल बेहाल कर दिया, बस अब जल्दी से भाई सर्दियां आ जाए ताकि हम अपनी वीडियो बनाते समय थके ना और पसीने पसीने आए ज्यादा। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप भी कुछ चाहते हो कि अपनी बुलेट में मैं कुछ और मॉडिफिकेशन कराऊं तो भाई जल्दी से जल्दी ना कमेंट कर दो, आप कमेंट करोगे और वो काम भाई हो जाएगा अपनी धन्नों में, ठीक है। तो बाकी यही थी कुछ अपने आज की वीडियो भाई, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई राम राम। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया, मैंने कई वीडियोस से ये चीज नहीं बोली है तो अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो भाई जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये मॉडिफिकेशन भाई अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपको जैसा भी लग रही है भाई ये मॉडिफिकेशन अच्छी लग रही है बुरी लग रही है तो भाई कमेंट मेरे को कर देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप सभी से बातचीत करेंगे। तो ओके भाई राम राम।